खुफिया एजेंसियों के बेहतरीन इनपुट की वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक कश्मीरी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी के इरादे कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके आसपास 8 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जम्मू के गांधीनगर इलाके से इरफान हुसैन वानी नाम के एक कश्मीरी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आतंकी इरफान दिल्ली में 15 अगस्त के दिन बड़ी वारदात करने की फिराक में था। पुलिस का दावा है कि ग्रेनेड को अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए आतंकी इरफान दिल्ली जा रहा था, तभी इसे रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकी के पास से हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। इसके अलावा 60,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकवादी इरफान हुसैन वानी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपुरा का रहने वाला है। आतंकी से पूछताछ कर दिल्ली में उसका कनेक्शन जानने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जम्मू रवाना हो गई है। आपको बता दें, खुफिया सूचना है कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीरी आतंकवादियों की 15 अगस्त को जम्मू तथा नई दिल्ली में आतंकवादी हमले करने की योजना है। इस सूचना के बाद पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। जो पूरे जम्मू रीजन की जो है उसको हमने काफी अलर्ट पर रखा हुआ है। कल हमारी एक नाका टीम को गांधीनगर के छतरी पॉइंट पे इलाके में एक सस्पिशियस मूवमेंट नजर आई एक इंडिविजुअल की, और उसको हमने क्वेश्चनिंग की और जब पकड़ा, उसकी जब सर्च की गई तो बॉडी सर्च में उससे एक बैग मिला है जिसमें से 8 ग्रेनेड जो है वो मिले, और उसकी इंटरोगेशन के बाद पता चला है कि इसका नाम जो है इरफान हुसैन वानी है, सन ऑफ लेट गुलाम हुसैन वानी। ये रहने वाला डंगरपुरा अवंतीपुरा कश्मीर का है, और इसकी इंटरोगेशन से पता चला है कि ये जम्मू से दिल्ली जाने की फिराक में था, और वहाँ पे इसने अपने किसी कॉन्टैक्ट को हैंडओवर करना था। उनका शायद ये एक जो इनका प्रोग्राम था वहाँ पे दिल्ली में 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस को डिस्टर्ब करने का, और जम्मू में भी कर सकते थे। हमने एक जो है इस किस्म की जो अटेम्प्ट है वो फाइल की है, और फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी हम चल रहे हैं, पर अभी हम हर चीज़ पे देख रहे हैं। इसकी जो टेलीफोन वगैरह है उसकी भी हम करेंगे। ये लंबा है, पर क्योंकि आपको बताना जरूरी था इसलिए हमने अभी ये तंजीम जो है हरकुल अंसार गजवत उल हिंद है, जिसका कि जाकिर मूसा जो चीफ है बना हुआ, और उसका जो है रेहान, इसका जो कॉन्टैक्ट था नंबर 2 तंजीम का। बस स्टैंड का जो मामला था वो अलग मामला है, और उसमें हमने जो है क्यूज को पकड़ा हुआ, उसकी सेपरेट जो है इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि दिल्ली में या जम्मू में सीरियल ग्रेनेड ब्लास्ट हो सकते हैं, क्या ये उसका पार्ट था या सीरियल ग्रेनेड ब्लास्ट करने की योजना? देखिए, हो सकता है उसी का पार्ट हो, पर जो हमारी हमने जो अलर्ट मेंटेन किया था उसमें हमें लगता है कि एक मेजर सक्सेस मिली है। अभी तक जो जांच हुई है क्या बोल रहा है कि सोलर साथी इसकी है, जम्मू में कहां से आया था? देखिए, अभी जांच जो है प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, हर चीज अभी स्टेज में मीडिया को शेयर नहीं की जा सकती, पर इतना मैं जरूर कहूंगा इसकी एक्टिविटीज वैली में क्या रही और बाहर कहां रही, उसके ऊपर हम पूरा जो है कर रहे हैं। ये एक साल से ये मिलिटेंसी में है, ये BA का ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, और ये मिलिटेंसी में रेडिकलाइज होकर इस मिलिटेंसी में आ गया। सर, क्या ये बस में बैठा हुआ था जब इसको अरेस्ट किया गया दिल्ली जाने के लिए? ये हमें वहाँ पे मिला था सस्पिशियस मोमेंट में, पैदल चलते हुए मिला था, और नाका पार्टी ने उसको पकड़ा। इसने बताया कुछ और साथी हैं इसके जम्मू में, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जो कॉन्टैक्ट है अभी आपने जितनी बता सकते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनिशियल स्टेज है, हम वही इन्फॉर्मेशन अभी आपको शेयर कर रहे हैं जो कि हमें कंफर्म हुई है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी जब जरूरत पड़ेगी हम आपको फिर बताएंगे। ये कश्मीर से इसको हैंड ओवर कैश थी इसके पास 60,000 से ऊपर थी। 60,000 और क्या क्या रिकवर हुआ इससे? और क्या क्या रिकवर? सिर्फ पैसा है और बाकी इसको अपना जो कश्मीर से जम्मू पहुंचा ग्रेनेड लेके, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स आप देखते हैं वहां? देखिए, सिक्योरिटी लैब्स का ये है कि हमारी टीम ने ही पकड़ा है, तो सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है, सिक्योरिटी हमने सिटी में पकड़ लिया। 15 अगस्त को देखते हुए जम्मू में किसी तरह का कोई स्पेसिफिक इनपुट? देखिए, हमारी जो सिक्योरिटी जो रोबस्ट सिक्योरिटी प्लान जो है जम्मू में, उसी का नतीजा है कि हमने इसको पकड़ा है, और इस किस्म से हमारे जो हैं प्लान जो हैं वो इन प्लेस हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी कोऑपरेशन के साथ हमारी अलर्टनेस से जो है आने वाले दिनों में जो हमारी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है वो ठीक ठाक गुजरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।